वेलकम फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे और जानेंगे कि आप अपनी ऐप में पैसा किस प्रकार से ऐड करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी सी दमदार वीडियो होने वाली है। होम पेज पे आपको देखने को मिल जाती है ऐड मनी, या फिर आप प्रोफाइल में जाएंगे, प्रोफाइल में भी आपको दूसरे नंबर पर देखने को मिल जाता है प्लस ऐड मनी। सिंपली इस पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद सिंपली आपको क्या करना होगा, अपना अमाउंट डाल देना है जितना भी आप ऐड करना चाहते हैं। यदि आप गूगल पे से करना चाहते हैं सिंपली ऐड मनी पर डायरेक्ट टैप करेंगे। यदि दूसरी यूपीआई से आप करना चाहते हैं सिंपली आप देख सकते हैं जी पे के बगल में एक एरो का ऑप्शन है, उस पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद आप देख सकते हैं अलग अलग मेथड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। फ़ोनपे से करना चाहते हैं फ़ोनपे पर सिलेक्ट करेंगे, और ये आपको हम आपको बता रहा है जो आपने अकाउंट बनाते समय जिस यूपीआई से एक रुपये ट्रांसफ़र किया था वही बैंक आपका इसमें ऐड हो जाता है। इसी बैंक से ही आपको यूपीआई करनी है। आप देख सकते हैं सिलेक्ट द सेम बैंक ऑन यूपीआई। अब हम दिखा देते हैं कौन सा अकाउंट आपका ऐड है और कहां आपको देखने को मिलेगा। तो बैंक डिटेल में जाएंगे। बैंक डिटेल में जाने के बाद आपका बैंक अकाउंट देखने को मिल जाता है। इसी बैंक की यूपीआई से ही आपको जो पैसा है ऐड करना है। सिंपली बैक आएंगे, बैक आने ऐड मनी सिलेक्ट करेंगे, दोबारा 100 रुपये डालेंगे, उसके बाद एरो पर सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम फोन पे पर सिलेक्ट करेंगे, जो भी आप ये यूपीआई वो सिलेक्ट करेंगे, ऐड के ऑप्शन सिलेक्ट कर देंगे। जैसे हम सिलेक्ट कर देते हैं डायरेक्ट आपको ये क्या है फोन पे के अंदर दे जाता था। आप देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिस भी बैंक की यूपीआई आपने ऐड की है उसी को सिलेक्ट करके आपको पे करना। पे के ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, अपना पिन डालेंगे और आप इसे ओके कर देंगे। ओके होने के बाद आप पेड सक्सेसफुली का ऑप्शन आपके सामने देखने को मिल जाता है और आपको मैसेज भी देखने को मिल जाता है। ऑनगोइंग पेमेंट आप देख सकते हैं, थोड़ा सा प्रोसेस लगेगा, तो आप देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है इस बैंक से। उसके बाद डन करेंगे। डन करने के बाद आप देख सकते हैं आप एक्सप्लोर में जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से ऐड मनी का ऑप्शन ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही आपको देखने को मिलता है। आप दोबारा प्रोफाइल में जाएंगे। प्रोफाइल में जाने के बाद सिंपली आप देख सकते हैं 100 रुपये लिखा, उस पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें आपका जो ट्रेडिंग जगह जो बैलेंस है 100 रुपये आपको देखने को मिल जाता है। और यदि एक दो दिन आप छोड़ेंगे तो ये आप देख सकते हैं बैलेंस अवेलेबल इतना है। विड्रावल करना चाहते हैं तो आप विड्रावल भी इसमें लगा पाएंगे। इस प्रकार से आप अपनी ऐप के अंदर जो है पैसा ऐड कर पाएंगे। आई होप आपको जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।